सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एनीथिंग को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, आप तो ये जानते होंगे ही कि हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं होती हैं और हमारे शरीर का अंग अच्छे से काम करे इसके लिए अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस का संतुलन बनाए रखा जाता है ताकि हर प्रक्रिया संतुलित तरीके से पूरी होती रहे। इसी संतुलन को जनरली हम पीएच बोलते हैं, पीएच लेवल या पीएच मान। तो हमें ये जानना होगा कि पीएच मान या पीएच वैल्यू लेवल क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। पीएच लेवल यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल हाइड्रोजन इसे कहा जाता है। ये शरीर में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को कहा जाता है। पीएच को 1 से 14 तक गिना जाता है और इसका जो बैलेंस्ड पॉइंट है वो 7 होता है। यदि किसी चीज़ का पीएच लेवल 7 से कम हो तो उसे एसिडिक यानी कि अम्लीय कहा जाता है, और किसी चीज़ का पीएच लेवल 7 से ज़्यादा हो, 7 से यानी ज़्यादा हो, तो उसे अल्कलाइन या क्षारीय कहा जाता है। यानी 7 से लेकर 14 तक के पीएच लेवल को हम क्षारीय कहते हैं। तो अम्ल और क्षार ये दोनों हमारे बॉडी में होना चाहिए और संतुलित मात्रा में होना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें अम्ल होता है और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें क्षारीय होता है। अब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, लेमन जूस का पीएच लेवल क्या है, 2.0। तो जैसे कि मैंने बताया है कि 7 से जो कम पीएच लेवल अगर हो तो वो आ जाता है एसिडिक में, तो लेमन हमारा क्या हो गया, अम्लीय हो गया। और जहाँ 7 से ज़्यादा बढ़ा तो वो क्षारीय हो जाता है। अभी देखो जैसे ह्यूमन ब्लड 7.5, बेकिंग सोडा का पीएच लेवल क्या है, 8.5, तो ये आ गया आपका क्षारीय में, क्योंकि ये इसका पीएच लेवल जो है वो 7 से ज़्यादा है और 7 से 14 तक जो होता है वो क्षारीय होता है, एसिडिक होता है। तो यही होता है। मैं बताती हूँ कुछ अम्लीय और क्षारीय क्या 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 आ सकते हैं अम्लीय और क्षारीय में। अम्लीय खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा, सब्जी, अनाज, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, ये सारी जो चीज़ें हैं और भी बहुत सारी, आप नेट से सर्च कर लेना, वो सब अम्लीय होता है। और क्षारीय में जैसे कि शलगम, ब्रोकली, लौकी, अजवाइन, ककड़ी, गोभी, सलाद, मिर्च, टमाटर, तो ये सब क्षारीय में आ जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, पीएच 9 में क्या आ रहा है, पीएच 8 में क्या आ रहा है, पीएच 7.35 to 7.40 में क्या आ रहा है। तो हमारे शरीर में पीएच लेवल का संतुलन सही होना चाहिए, तब हमारा बॉडी सही होता है। तो यही होता है पीएच लेवल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।